तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्तराखंड रुड़की से सालू किशोर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुस्कान चौक गई करिए, अरे क्या हो रहा है। मुस्कान बैठ के धूप सेक रही है और साथ में संतरे खा रही है। तो मुस्कान संतरे कैसे हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं? अच्छे अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ अम्मा ने गेहूँ धुला था तो सूख गया है और अम्मा इसे फिर अम्मा कहती है गेहूँ खा के देखो करारा है कि नहीं। तो हमें गेहूँ इस तरह खा के और फिर देखो। वैसे ये बात हम लोगों हमसे ना पूछ के कबूतरों से पूछनी चाहिए। आवाज़ आती है, कुरकुरेपन की आवाज़ आती है और जब कुरकुरेपन की आवाज़ आती है तो समझ लो गेहूँ करारा हो गया। और इस तरह अम्मा पूछती है हमारे से तो गेहूँ करारा हो गया मतलब साफ करके पीसने लायक हो गया है। और मुस्कान क्या कह रही? छत पर डालते हैं तो कबूतर वगैरह खूब खाते हैं, मतलब कबूतर ज्यादातर, कौवा तो नहीं खाते हैं, कबूतर खाते हैं। तो मुस्कान कह रही कि उनसे पूछना चाहिए, कबूतरों से पूछना चाहिए कि गेहूं करारा हुआ कि नहीं। और ये देखिए धनिया जो मैंने लगाया था दिवाली पूजन में, धनिया रखा गया था उसको कहते हैं गमले में लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा धनिया उगेगा उतना घर में तरक्की होगी, बरकत होगा। तो मैंने गेहूं निकल आया क्योंकि गेहूं मेरे मुंह में है। तो उतना जितना धनिया निकलेगा उतना घर में बरकत होगी। तो ये देखिए मैंने गमले में डाल दिया था धनिया दरड़ के और कितना अच्छा धनिया आया है, ये देखें है ना बहुत अच्छा धनिया। और कहीं कहीं मेथी भी आ गया, उसी में मेथी भी पड़ गया था तो मेथी भी आ गया है, भरा भरा हो रहा। और जब धनिया महंगा था तो इतना नहीं आता था, कई बार मैंने लगाया धनिया वो नहीं उगा। और अब धनिया तो बहुत सस्ता हो गया है, यानी 10 रुपये की गड्डी मिलती है, यानी 10 रुपये की एक पाव। तो हमारे घर में भी धनिया खूब उगा हुआ है। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, जब अपने घर में खीर तो बाहर भी खीर। पर ही मैंने यहाँ भी धनिया लगाया था तो ये भी देखिए कितना हरा भरा हो रहा। लेकिन आप कुछ भी कहो, जो घर के धनिया का स्वाद होता है ना, हाँ खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। चटनी में डाल दो, सब्जी में लगता है खुशबू। और यहाँ एक मैं पौधा तैयार कर रही, ये गुड़हल का है तो इसका सेब दे रही। ये देखिए मैंने यहाँ पर ना इसे तार लगा के, ये तार लगा के इसको वाली टहनी इधर को कर रखी और एक टहनी ऊपर को, और इसकी सारी गुलाई में कटिंग कर रखी। बीच बीच में मैं इसकी कटिंग कर रही और अभी इसी में इसको सेब दे रही। और यहाँ पर बहुत सारे मैंने गुलाब की कटिंग लगा रखे हैं जिसमें अब छोटी छोटी पत्तियाँ आने लगी हैं। ये देखिए ये छोटे से गमले में भी मैंने गुलाब की कटिंग लगा रखी है, इसमें लगा रखी है गुलाब की कटिंग। तो इस सब में अब छोटी छोटी मतलब पत्तियाँ आने लगी हैं और कुछ दिन में फूल भी आ जाएगा। इसमें तो आ ही जाएगा और इसमें टाइम लगेगा अभी। और ये देखिए इसमें पर्पल कलर की कलियाँ आ रही हैं, यानी पर्पल फूल आएंगे इसमें। तो इसने मैंने एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर रखे हैं। और अब इस समय जब इतनी सारी कलियाँ आ गई तो इसे मैंने छज्जे पर रख दिया है गमला, और छज्जे बाहर की तरफ इसका टहनी सारा कर दिया है। ये बहुत सारी आ रही हैं और सारा मैंने छज्जे पे बाहर की तरफ कर रखा। इसका सीजन मतलब खत्म ही होने वाला है तो पत्तियाँ वगैरह इसकी झड़ भी आती, कभी कभी पौधा भी मुरझा ही जाता मतलब सूख जाता है, और कभी कभी बच जाता है यानी ऊपर से सूख जाता है, जड़ इसका मजबूत रहता है तो इसी जड़ से दोबारा ही पत्तियाँ आने लगती हैं। मगर इसका अब एकदम मतलब समाप्त पे है, फिर भी इसमें भी फूल भी आ रहे हैं देखो ये। और ये देखिए बहुत सारे फूल आ रहे हैं और मैं सुबह तोड़ के भी ले आती हूँ, पूजा में भी चढ़ा देती हूँ। और मैंने 2-4 इसमें छोड़ रखे बीज के लिए, ये देखिए ये छोड़ रखे और यहाँ भी है। तो इसलिए छोड़ रखे कि अगर ये पौधा सूख गया मतलब इसका जड़ भी ख़त्म हो गया यानी मर गया बिल्कुल से, तो हमारे पास बीज होना चाहिए कि हम दूसरा पौधा तैयार कर सकें। अगर बीज नहीं होगा तो फिर ख़रीदना पड़ता है नर्सरी वालों से या फिर मांगना पड़ता है अड़ोसी पड़ोसी से,
तो अगर हम इसका बीज संभाल के रखते हैं तो फिर अपना पौधा तो लगा ही लेते हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं। मिर्चे का जो पौधा है बहुत पुराना है और ये पहले किसी और डब्बे में था, दिखाती हूँ किस डब्बे में था पौधा। पहले इस डब्बे में था, इसी के साथ लेमन ग्रास के साथ ही था, तो मैंने इसे निकाल के इस बार में लगा दिया है। तो जब लगाया था तो इसमें पत्तियाँ नहीं थी, बिल्कुल पत्तियाँ सूख सी गई थी, झड़ सी गई थी, और अब इसमें नई नई पत्तियाँ आ गई हैं और भगवान की कृपा से अब इसमें कलियाँ भी आने लगी हैं। और इस मिर्च का पौधा मुझे बहुत पसंद था और मेरे छत पर पहली बार ये पौधा आया। और वो जो छोटी, मैंने पहले भी शॉर्ट वीडियो इसका डाल रखा है, छोटी मिर्च होती है, लौंगी मिर्च बोलते हैं, बहुत तीखी होती है, तो वाली मिर्च है। तो अब इसमें दोबारा मिर्च आने की उम्मीद है और इसमें कलियाँ आने लगी हैं, तो बहुत खुशी हो रही इस बात के लिए। यहाँ पर मेरे टमाटर के भी पौधे निकल आए हैं, निकल के आए हैं, बाहर ही निकले थे, जो बाहर एक गमला रखा हुआ है तो वहाँ से मैं निकाल के लाई और यहाँ मैंने इसे इसमें लगाया। और इसमें फूल भी आ गए थे, तो फूल मैंने अभी तोड़ दिया है, तोड़ के निकाल दिया उस फूल को, कि टमाटर का पौधा अच्छी तरह ग्रोथ कर जाए, फिर इसमें फूल आए और फल आए। और अगर पहले ही फूल और फल आने लगेंगे तो इसका ग्रोथ रुक जाता है, फिर बहुत जल्दी पौधा ख़राब भी हो जाता है। एक पौधा मैंने ये लगा रखा है टमाटर का, ये भी मैं बाहर से लाई हूँ निकाल के, तो इसमें भी फूल आ रहे हैं। मैं इस फूल को निकाल देती हूँ क्योंकि जब फूल रहेगा अभी से तो ग्रोथ ये पौधा अच्छे से नहीं करता है, तो इसका ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा तब इसमें फूल और फल आएंगे तो अच्छा रहेगा। मिर्च के पौधे ने हमें बहुत सारे मिर्च दिए हैं और अभी भी बहुत सारे फूल आ रहे हैं इसमें, और छोटी छोटी मिर्च भी आ रही हैं। और ये वाला इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी कलियाँ आ रही, बहुत सारी कलियाँ इसमें आ रही हैं और जल्द ही इसमें बहुत सारे मिर्चें आएंगे। और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था इसकी पत्तियां मुड़ने लगी थी और कोई कोई पत्तियों में कीड़े से लग गए थे, उसे मैंने कट करके अलग अलग निकाल दिया है। जैसे यहाँ से टहनी मैंने काट दी, यहाँ ऊपर से मैंने टहनी काट दी क्योंकि इसकी पत्तियां मुड़ गई थी और कीड़े लग गए थे, और वो करने है मेरा मरवे का पौधा। और मरवे के पौधे से इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी प्यारी सी खुशबू आती है। तो आप सब अपने घर में भी मरवे का पौधा ज़रूर लगाएं और इसकी चटनी खाएं और अपने पेट को आराम दें। पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है मरवे का पौधा, मतलब मरवे का पौधा आपके घर में होना। तुलसी, इसे जंगली तुलसी भी कहते हैं। और इसमें देखिए तुलसी की तरह, ये देखो ये जो इसका फूल है बिल्कुल तुलसी की तरह। मेरे हरियाणा के दोस्त थे, हाँ, वो लोग कह रहे थे मतलब मुझे कैसे खाते हो, लेकिन जब खाया तो अच्छा लगा। हाँ, कि सुबह के नाश्ते में हमारे यहाँ मोटी रोटियाँ, मोटे अनाज की और इसकी चटनी जरूर रहती थी और घी मक्खन खूब सारा। तो मुस्कान तुम भी रोज इसकी चटनी पीस लिया करो सिलबट्टे पर। इसकी चटनी कहते हैं कोई खुशबू नहीं आती, हमें लगता है खुशबू रही कैसे, बहुत तेज खुशबू होती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम खाते हैं और बहुत स्वाद लगती है। उनसे पूछना कि क्या क्या डालते हैं, ला के खिलाया मुझे बड़ा। नहीं मैंने खा रखा, मगर एक बार उनसे पता करना कि मतलब इसमें क्या क्या डालते हैं। हाँ तो हम बनाएंगे और फिर हम भी डेली खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मरवे के ना बहुत सारे पौधे हैं, बहुत नाम तो मुझे नहीं पता है। और इसे मैं देखो, मैंने छोटे छोटे ग्लास में लगा रखा, छोटे छोटे से इसमें देखिए ऐसे लगा रखा। और ये जो पौधा है ना, ये अगर एक पत्ती भी तोड़ के लगा दो उसमें भी इसके चारों तरफ छोटे 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 पौधे निकल आते हैं। तो इस तरह मैंने, किसी ने दिया था तो उसी से मैंने इतने सारे पौधे तैयार किए, और भी एक दो गमले में लगा हुआ है, तो ये पत्तियों से ही लग जाता है। तो आप सभी को भी कहीं ऐसे दिखे तो आप भी पत्ती तोड़ के ला के और उसे गमले में दबा सकते हैं। और इसके